हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में कागज़ की चिड़िया बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमें एक कलरफुल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और एक राउंड शेप में कोई ढक्कन या कोई कटोरी आपको चाहिए और एक छोटा सा कोई ढक्कन इसके लिए चाहिएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि आपने कटोरी को ऐसे रख के ओंधी और आपने दो सर्कल इक्वल साइज़ के काट लेने हैं और एक छोटे ढक्कन के साइज़ के मैंने पहले से ही काट के रखे हैं दो सर्कल। और अब आपने क्या करना है, अब आपने सर्कल को, बड़े वाले सर्कल को ऐसे 1/3 फोल्ड कर लेना है। 1/3 फोल्ड करके आपने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है जैसे मैंने पहले से काटी हुई है, ये देखिए। और अब आपने क्या करना है, ये देखो, इस तरीके से आपने इसकी स्लिप्स स्ट्रिप काटनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को, आप इनको पंखों को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ये हमारे चिड़िया के पंख बन गए। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐसे जॉइन करना है, दोनों को ऐसे जॉइन करके ये लीजिए जॉइन होगा। अब आपने यहाँ काम लगाना है और मैंने पहले से एक इसकी पूंछ के लिए स्ट्रिप काटी हुई है, आपने इसकी ये बदली स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये दो चार पंखे आगे कर दिए तो दूसरी तरफ कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर इसको चिपकाना है कॉर्नर में जहाँ से आपने फोल्ड किया था, यहाँ फोल्ड करने के बाद आपने इसको चिपका देना है। और इधर आपने क्या करना है, इसको चिपकाना है। अब आपने यहाँ गम लगानी है, ध्यान रहे आपने नीचे गम नहीं लगानी और आपने सिर्फ यहाँ कॉर्नर पर गम लगानी है। और अब आप इसको चिपका सकते हैं ये। अब आपने जो स्मॉल सर्कल काटा था, ये वाला जो मैंने ढक्कन से के साइज का काटा, आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने गम लगाई थी यहाँ पर आप इसमें गम लगा सकते हो। अब इसको यहाँ से आप प्रेस कर दो, अब आपने क्या करना है, मैंने इसकी चोंच के साइज अब हम इसकी चोंच बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरी साइड, ये हमारी चिड़िया की चोंच बन गई। आप इसको अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मैंने इसके दो पांव बनाए थे, अब इसका दूसरा पांव भी ऐसे छुपा देंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी आईज बनानी है। यहां पर एक राउंड शेप में ब्लैक स्केच से
इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हम एक आइज बनाएंगे। ये हमारी स्पैरो बन गई, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपने भी ऐसी कोशिश करनी है। हमने नीचे से इसको चिपकाया नहीं था ताकि इसको हम स्टैंड कर सकें, आप इसको खड़ा भी कर सकते हो और आप इसके बीच में धागा डाल के चिपका के आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारी स्पैरो।